बेदाग और निखरी त्वचा किसे पसंद नहीं, लेकिन कुछ लोगों के चेहरे पर पिंपल मार्क्स और डार्क स्पॉट्स उनकी खूबसूरती को फीका कर देते हैं। इनसे छुटकारा पाने के लिए बाजार में कई तरह के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। इनके लिए दावा भी किया जाता है कि ये कुछ ही दिनों के भीतर आपके डार्क स्पॉट्स को दूर कर देंगे, लेकिन इनमें मौजूद केमिकल्स आपके स्किन को डैमेज कर सकते हैं, तो ऐसे में बेहतर रहेगा अगर आप नेचुरल रेमेडीज की तरफ रुख करें। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक ऐसा फेस पैक जो डार्क स्पॉट से छुटकारा दिलाने में आपकी मदद करेगा। इस फेस पैक को बनाने के लिए हम कुछ आम से इंग्रेडिएंट्स का यूज करेंगे जो आपको आपकी किचन में आसानी से मिल जाएंगे। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच संतरे के छिलके का पाउडर, 1 चम्मच दही, 1 चम्मच आलू का जूस और 1 चम्मच हल्दी। एक बाउल में बेसन ले। बेसन चेहरे पे आते एक्सेस ऑयल को कम करने में मदद करता है, जो स्किन पर पिंपल्स आने की मुख्य वजह है। अब इसमें संतरे के छिलके का पाउडर डालें। संतरे में मौजूद विटामिन सी डार्क स्पॉट्स को कम करने में मदद करता है, ये स्किन को यंग भी बनाए रखता है। अब इसमें 1 चम्मच दही मिलाएं। दही में मौजूद लैक्टोज आपकी स्किन की रंगत निखारता है, जिससे आपका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा चमकदार दिखाई देता है। अब इसमें आलू का जूस डालें। इसके लिए हमने आलू को कद्दूकस करके स्ट्रेनर की मदद से पहले ही छान लिया था। आलू की नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज न केवल डार्क स्पॉट्स बल्कि पिगमेंटेशन को दूर करने का भी काम करती हैं। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी मिलाएं। हल्दी स्किन के लिए टॉनिक का काम करती है। हल्दी में मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पिंपल्स को बढ़ने से रोकते हैं, साथ ही साथ ये इवन टोन भी देते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए भी हल्दी को कई रिसर्च में कारगर बताया गया है। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिला लें। इस मास्क को हफ्ते में 2 से 3 बार लगाया जा सकता है। डार्क स्पॉट्स को हल्का करने के लिए इन होम रेमेडीज के अलावा कुछ और चीजें हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि अपने खाने में विटामिन सी को जरूर शामिल करें। इसी के साथ भरपूर पानी पिए। आप हर दिन सवेरे खाली पेट कुछ नीम की पत्तियों का सेवन कर सकते हैं। ऐसा करने से ब्लड इम्प्योरिटीज दूर होंगी और आपकी स्किन क्लियर बनेगी। आपका मास्क तैयार है। अब इसे अपने पूरे चेहरे पर लगा लें। अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए अपना काम कर लेने दीजिए। अब अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। दोस्तों, ध्यान रखें, अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो इसे फॉरहेड पर लगाकर 2 से 3 मिनट के लिए चेक कर लें। अगर आपको तेज खुजली या फिर जलन महसूस हो तो इसका यूज ना करें। हो सकता है आपको किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी हो, इसके लिए आप अपने स्किन एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं। तो दोस्तों, डार्क स्पॉट्स को दूर करने के लिए अगर इस मास्क की रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक का बटन दबाइए। अगर आपके पास भी कोई ऐसी अमेजिंग रेसिपी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में लिखें, और ऐसे ही अमेजिंग स्किन केयर रेमेडीज के लिए सब्सक्राइब करें NBT। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूजर नेम है NBT हिंदी न्यूज़।